सो हे डिफ्रेंड्स, वेलकम टू माय आर्ट चैनल आर्ट विथ नरेश। सो डिफ्रेंड्स, फाइनली ट्यूटोरियल नंबर 5th यानी कि कंप्लीट ट्यूटोरियल को लेके आ चुके हैं अपने चैनल पर सर स्टीफन हॉकिंग का। जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ ट्यूटोरियल नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि इजी से देख सकता है। सो यहाँ पर हम जो है थोड़ी बहुत रियलिस्टिक पोर्ट्रेट के ऊपर बात करेंगे कि हमने किस तरीके से कैसा बनाया, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर कोई चैनल पर नया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन ज़रूर करना। एंड यहाँ पर जो हम वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में आ चुके हैं एंड बात करेंगे हम जो है एक कंप्लीट पोर्ट्रेट के इस एपिसोड में। सो यहाँ पर एक कंप्लीट क्लॉथ की शेडिंग करेंगे, मटेरियल कौन कौन सा यूज़ करेंगे, ग्रेफाइट पेंसिल है एंड मेकअप ब्रश है फॉर द ब्लेंडिंग एंड जो है हाईलाइट के लिए नीट मोनो जीरो रेजर है एंड जो है नीट रेजर फॉर द हाईलाइट, ये नीट हो जाता है इजीली, हम किसी भी दिशा में इसको फ्लो कर सकते हैं। एंड यहाँ पर सबसे पहले मैंने मोनो जीरो रेजर ले रखा है फॉर द हाईलाइट। यहाँ पर स्किन जो टेक्सचर है वो मैं देने की ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ रियलिस्टिक पोर्ट्रेट के लिए। तो बिल्कुल छोटे छोटे डॉट बने हुए हैं, हमने पोर्ट्रेट को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया है कि कहाँ पर जो छोटे छोटे डॉट है उसको निकाल कर यहाँ पर ईजी से ट्राई कर रहा हूँ अपने पोर्ट्रेट में। एंड वन इम्पॉर्टेंट ये बात है कि जो मेरा माइक है वो ख़राब हो चुका है, तो इसके लिए सॉरी। जो मेरी वॉइस क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी तो उसके लिए सॉरी डिफरेंस। सो अपनी जो मैं रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल के माइक से ही कर रहा हूँ, सो थोड़ी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन थोड़ा बहुत जो एडजस्ट आप कर लेना, ठीक है। और जहाँ पर मुझे पॉइंट लगे कि हाँ मुझे यहाँ पर बताना है वहाँ पर बताऊँगा, अदरवाइज़ जो ये वीडियो कम्प्लीट टाइम लैप्स ही है। इसी तरह धीरे धीरे काम करने के बाद रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। कंप्लीट फेस की एक प्रॉपर जो है शेडिंग हो चुकी है। देन यहाँ पर जो है कोट यानी क्लॉथ के ऊपर मैं शेडिंग कर रहा हूँ। सबसे पहले जो मैंने लेयर ले रखी है, 2B पेंसिल से लेयर दे रहा हूँ, 2B पेंसिल। तो इसी तरह मैं लेयर बाय लेयर काम करना है, इजीली रिजल्ट को ऑप्ट करना अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट को ऑब्जर्व करके कि कहाँ पर जो लाइट एरिया, कहाँ पर डार्क है, तो उसी को देखते हुए हमें पोर्ट्रेट को अच्छे तरीके से देन ऑब्जर्व करके इजी से अप्लाई करना अपने पेंसिल को। एंड आफ्टर द फर्स्ट लेयर यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है ब्लेंडिंग के लिए मेकअप ब्रश, वन ऑफ द बेस्ट टूल होता है फॉर द ब्लेंडिंग। ज़्यादातर आर्टिस्ट आपको यही रिकमेंड करेंगे और मैं ही भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो अपने आर्ट में ब्लेंडिंग के लिए मेकअप ब्रश का ही यूज़ किया करें। एंड आफ्टर द ब्लेंडिंग जो बात आती है वो डिटेलिंग वर्क के लिए, तो उसके लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है 0.5 की मैकेनिकल पेंसिल, बहुत ही यूज़फुल होती है, इससे डिटेल बहुत अच्छी निकल के आती है क्योंकि मुझे बार बार इसको शार्प करना नहीं पड़ता। तो आप देखते जाइएगा एंड तक, रिजल्ट बहुत ही अच्छा निकल कर आएगा साफ। Living the hollow life.
एंड यहाँ पर जो मैं अच्छे तरीके ऑब्जर्व कर रहा हूँ अच्छे तरीके से हमारे फ्रंट पोर्ट्रेट में कहाँ कहाँ पर जो डार्क वैल्यू है, कहाँ कहाँ पर जो लाइट एरिया है, तो उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। फ्रेंड्स इसी तरह में जो है धीरे धीरे काम करते जाना, रिजल्ट हमारे सामने खुद ही निकल कर आएगा। अच्छा पेशेंस हमें रखना है। सबसे पहले अगर हम रियलिस्टिक पोर्ट्रेट के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो हमारा पेशेंस अच्छा होना चाहिए। जो टाइम लगता है भाई, कोई भी आप एक अच्छा पोर्ट्रेट बना रहे हो हार्ड वर्क करके तो टाइम तो लगेगा। तो आप जो है बिना सोचे समझे आपको लग जाना है कि मुझे इसको एक अच्छा पोर्ट्रेट क्रिएट करना है, तो टाइम की परवाह नहीं करनी है, बिल्कुल अच्छे से टाइम देके आपको काम करना है। तो धीरे धीरे काम करने से आपका पोर्ट्रेट खुद ही निकल कर सामने आ जाएगा बहुत ही बढ़िया रूप में। एक क्रिएट एक अच्छी पोर्ट्रेट जो है प्रोवाइड करेगा हमारे सामने। तो देखते जाइएगा, एंड में रिजल्ट बहुत ही निकलेगा ऑसम। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर जो धीरे धीरे काम करने के बाद रिजल्ट ऑसम देखने को मिल रहे हैं हमारे सामने। एंड यहाँ पर जो थोड़ी बहुत मैंने ट्रिक यूज़ की है वो ये यूज़ की है कि मैंने ब्लेड से अच्छे तरीके से कट करके ग्रेफाइट को यूज़ किया है, अपने फिंगर से इजीली शेड किया है। सो डिफरेंस आज के लिए कुछ इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर ज़रूर करना। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, एंड आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ऑसम रिजल्ट निकल कर आया है। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।